सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube वीडियोज। इट्स मी अमित अना। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यामाहा R15 V4.0 के सर्विस कॉस्ट के बारे में दोस्तों, जिसमें कि हम बात करेंगे इसकी फ्री सर्विसेज से रिलेटेड, कितनी फ्री सर्विसेज होंगी, कितने इंटरवल पे होंगी और इनका कॉस्ट क्या जाएगा। दोस्तों, इसी के बाद में हम बात करेंगे इसकी पेड सर्विसेज के इंटरवल और इसके कॉस्ट के बारे में। दोस्तों, इसी के बाद में हम बात करेंगे इसके आफ्टर मार्केट पार्ट्स की क्या अवेबिलिटी होगी, टेक्नीशियंस की क्या अवेबिलिटी होगी और इसके रेगुलरली रनिंग स्पेस कौन कौन से होंगे और इनके प्राइजेस क्या हो जाएंगे, वो भी समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। और लास्ट में दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ जाएगा इस गाड़ी का और इसी के सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में कितना सस्ता होगा या फिर कितना महंगा होगा, वो भी समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर इस गाड़ी को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं आप या फिर परचेस कर चुके हैं, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। उसी के साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या फिर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा उसी के साथ दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ में आते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका इंजन रिलेटेड। तो दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल कैपेसिटी आ जाती है, वो आती है आपको 1000 ml की। यामाहा यूज करता है यामाहा लूप का सिंथेटिक ऑयल, जिसकी ग्रेडिंग आ जाएगी 210W40 की। दोस्तों, इसका प्राइस आ जाएगा आपको 430 rupees का, जब भी आप ऑयल चेंज कराएंगे तब। दोस्तों, इसी के साथ में आते हैं इसके अगले और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका ऑयल फिल्टर। तो दोस्तों, ऑयल फिल्टर का जो चार्ज है वो आ जाएगा आपको 175 rupees का। और इसमें याद रखने वाली चीज़ ये रहेगी कि जब भी हमारा ऑयल चेंज होगा, हमारा ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा, तो दोनों चीज़ें साथ में होंगी दोस्तों। तो हम जब भी ऑयल चेंज करें, ऑयल फिल्टर भी चेंज करना है। दोस्तों, इसी के साथ में आते हैं इसके अगले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वंस अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका चेन सर्विस। तो दोस्तों, हर 1000 kilometers पे आपको इसकी चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग करानी रहेगी, ये कंपलसरी है। रीज़न बीइंग, आपके पीछे वाले व्हील के ऊपर पावर डिलीवरी, पावर ट्रेन, मेंटेनेंस कॉस्ट, साथ में आपका नॉइज और एवरेज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी अगर आप इसका प्रॉपरली क्लीनिंग एंड लूबिंग कराएंगे चेन की। दोस्तों, अगर हम ये ऑथराइज सर्विस सेंटर यानी कि यामाहा से कराते हैं, तो इसका 220 rupees का चार्ज पे करना पड़ता है हमको यामाहा को। दोस्तों, इसी के साथ में आते हैं इसके अगले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसकी फ्री सर्विसेज। तो दोस्तों, टोटल हमको इसमें 4 फ्री सर्विसेज मिलती हैं। जो पहली फ्री सर्विस आ जाएगी, वो आ जाएगी आपको 1000 kilometers और 1 month में। सेकेंड फ्री सर्विस आ जाएगी दोस्तों 4000 kilometers और 4 month में। थर्ड फ्री सर्विस आ जाएगी दोस्तों 7000 kilometers या 7 months में। और लास्ट फ्री सर्विस यानी कि फोर्थ फ्री सर्विस आ जाएगी आपको 10000 kilometers या फिर 10 months में। तो दोस्तों, फ्री सर्विसेज का मतलब ये नहीं रहेगा कि हमको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। मतलब इसमें ऐसा रहेगा कि आपको सिर्फ लेबर चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा, जो भी कंज्यूमेबल्स आप यूज़ करेंगे, जैसे कि ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर होगा, इन सब का चार्जेस लगेंगे दोस्तों। तो हमारी कंप्लीटली फ्री सर्विसेज फ्री नहीं रहती हैं, ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। अब दोस्तों, समझ लेते हैं कि हमारे पहली सर्विस में हमको कॉस्ट कितना पे करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, हमारे पहली सर्विस में ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग होगी, 825 rupees का चार्ज पे करना पड़ेगा। सेकेंड फ्री सर्विस में आपका ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग होगी, एयर फिल्टर चेंज होगा, 1076 rupees का चार्ज पे करना पड़ेगा। थर्ड फ्री सर्विस में दोस्तों ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, साथ में चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग होगी, फ्यूल इंजेक्शन भी क्लीन होगा आपका, साथ में आपकी रेयर ब्रेक पैड्स भी चेंज होंगे, 2135 rupees का चार्ज पे करना पड़ जाएगा दोस्तों। दोस्तों, जो फोर्थ फ्री सर्विस है, लास्ट फ्री सर्विस है, इसके अंदर आपका ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग होगी, एयर फिल्टर चेंज होगा, स्पार्क प्लग चेंज होगा, शॉकअप ऑयल सील्स चेक होंगी, अगर लगेगा तो चेंज होंगी, साथ में फ्रंट ब्रेक पैड्स भी चेंज होंगे, 1992 rupees का चार्ज पे करना पड़ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो टोटल फ्री सर्विसेज में यानी कि 10 months में आपको जो खर्चा करना पड़ता है इस गाड़ी के ऊपर, वो आ जाएगा 6028 rupees का। तो दोस्तों, इसके अंदर ये फ्री सर्विसेज का चार्ज है। अब आ जाते हैं इसकी अगले पॉइंट यानी कि पेड सर्विस के ऊपर। तो दोस्तों, पेड सर्विस का जो इंटरवल आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको 3000 kilometers या फिर 3 months का। तो ये आपका पेड सर्विस का इंटरवल रहता है।
दोस्तों इसी के साथ में आते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर मार्केट पार्ट्स की अवेबिलिटी और टेक्नीशियंस की अवेबिलिटी। तो दोस्तों आफ्टर मार्केट पार्ट्स की अवेबिलिटी भी हो जाएगी, टेक्नीशियंस की अवेबिलिटी भी हो जाती है इस गाड़ी की, बट याद रखने वाली चीज़ ये रहेगी कि अगर आपने ऑथराइज सर्विस सेंटर से फ्री सर्विसेज करा ली और पेड सर्विस आप सोचे कि बाद में मैं आफ्टर मार्केट करा दूँ, तो कंपनी आपकी वारंटी वॉइड कर देगी, यानी कि वारंटी लैप्स कर देगी जो इंजन के ऊपर आती है। तो डिसीजन आपका रहेगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट सस्ता तो होता है, काम शायद इफेक्टिव भी होता है, बट आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी इंजन की, तो वो चीज आपको ध्यान रखने वाली रहेगी। डिसीजन आपका रहेगा कि आपको कंपनी की वारंटी के साथ स्टिक करना है या फिर आप मेंटेन खुद करते हैं, रिस्क खुद लेते हैं और आफ्टर मार्केट आप अपने इजाजत से कराना चाहते हैं। दोस्तों इसी के साथ में आते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसके रेगुलरली रनिंग स्पेस कौन कौन से होंगे, उसके प्राइसेस क्या आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा आपका एयर फिल्टर 251 रुपीज़ का, ऑयल फिल्टर 175 रुपीज़ का, ऑयल 430 रुपीज़ का, कूलेंट का रिप्लेसमेंट या टॉपअप का चार्ज है 50 रुपीज़ का, चेन स्प्रॉकेट 1977 रुपीज़ का, ड्रम रबर भी चेंज होता है साथ में तो 150 रुपीज़ का, टोटल लेबर चार्ज लगेगी आपको रिप्लेसमेंट की 400 रुपीज़ की, स्पार्क प्लग आपका 15 रुपीज़ का आ जाएगा, और जो फ्रंट ब्रेक पैड है वो 428 रुपीज़ के आ जाएंगे, रेयर ब्रेक पैड आ जाएंगे आपको 960 रुपीज़ के। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रेगुलरली रनिंग स्पेस। अब दोस्तों आ जाते हैं हमारे लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ जाएगा इस गाड़ी का। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगा वो 60.28 पैसा पर किलोमीटर का आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं इसी के सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में भी। दोस्तों अगर आपको चाहिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे जाके चेक भी कर सकते हैं इसी के कंपटीशन के और दूसरी गाड़ियों के सर्विस वीडियोस को लेके भी। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा उसी के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन दोस्तों टाटा, टेक केयर एंड चाओ।